कोविड से लड़ाई में मनपा के कर्मचारी व अधिकारी जुटे हैं, लेकिन उन्हें भी कोविड संक्रमण का शिकार होना पड़ रहा। अब मनपा मुख्यालय, जोन कार्यालय व दूसरे विभागों के 226 कर्मचारी व अधिकारी पॉजिटिव आए, जबकि 12 कर्मचारियों को जान गंवानी पड़ी है। गांधीबाग जोन में 6 शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की मौत कोविड से और कर्मचारी और अधिकारी पॉजिटिव आए हैं। हनुमान नगर बलरामपुर जोन में 25-25, सामान्य प्रशासन विभाग में 21-4 और हनुमान नगर जोन में 2 चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जबकि अग्निशमन विभाग अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, शिक्षा विभाग के सर्वाधिक 36 सहायक आयुक्त जैसे कई वरिष्ठ अधिकारी भी संक्रमित हो चुके हैं, जबकि गांधीबाग जोन में 34। मनपा प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि बिना काम के कोई भी महानगर पालिका कार्यालय में न आए। पूर्व मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे के अलावा कोविड संक्रमण से घन कचरा व्यवस्थापन उपायुक्त ये भी पॉजिटिव आए। मनपा प्रशासन का कहना है कि कोविड संक्रमण से बचने के लिए सुरक्षित दूरी का पालन करें, बाजारों व सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करें, बुखार, सर्दी, खांसी, शरीर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, सूंघने में व स्वाद की क्षमता खोने की स्थिति में कोविड की जांच कराएं, पॉजिटिव आने पर जोन नियंत्रण कक्ष में फोन कर मार्गदर्शन प्राप्त करें। नियंत्रण कक्ष में 07125186006 07125324744 और 1800233337 पर फोन करें। अस्पतालों में बेड के लिए 07122567021 इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। जोन कार्यालय में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। महापौर के ड्राइवर के पॉजिटिव आने के बाद कार्यालय के सभी कर्मचारियों की जांच की गई, उनका पीए भी पॉजिटिव आया है। महापौर कक्ष के कर्मचारी व महापौर ने नियमानुसार खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, इन बीसीएन न्यूज नागपुर।